टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो जो एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, एग्जाम खत्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी सिंपल सा तरीका है कि आपका जब एग्जाम खत्म होता है तो बच्चा बहुत इंजॉय करता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको करना क्या है। देखिए एग्जाम खत्म होने के बाद कई लोगों का ध्यान इधर उधर चला जाता है, मतलब कुछ कुछ और पटाना पटानी के चक्कर में लगे जाते हैं। तो ध्यान से बाबू, अभी आपका एग्जाम खत्म हुआ, पूरे लाइफ का एग्जाम नहीं खत्म हुआ है। यानी अगर टेंथ में का टेंथ का आपका एग्जाम खत्म हुआ या ट्वेल्थ का एग्जाम खत्म हुआ, तो इसके बाद आपको दो तीन काम कर लेना चाहिए। अगर टेंथ में आप है तो आप अभी से कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, दो तीन महीने जितना भी आपका टाइम लग रहा है रिजल्ट आने में, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक आप आगे तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। आपका जो विषय कमजोर है जैसे इंग्लिश या हिंदी या मैथ, तो जो भी विषय आपका कमजोर है उस पर अपना पकड़ बनवा सकते हैं, ठीक है ना, या आप किसी कोई और भी कोर्स कर सकते हैं। सिंपल सा एक बात बता देना चाहो बाबू कि टाइम को ऐसे बर्बाद नहीं करना है, टेंथ के बच्चे हो चाहे ट्वेल्थ के बच्चे हो, एग्जाम खत्म है तो जाके एंजॉय मत करिए। कई सारे बच्चों को देखे थे खूब डांस किया लोग एग्जाम खत्म होने की खुशी में, अरे भैया डांस कर रहे, भविष्य भी बहुत पड़ा है, भविष्य में आप डांस करिएगा ना, किसी लायक बन जाएगा तो कोई नहीं पूछने आएगा, अगर नाकामिल बन जाएंगे तो। इसीलिए आज और अभी से आप हाई भाव के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको आज और अभी से अपने आगे की सोचना है। अगर टेंथ में है तो आगे का तैयारी करिए, ट्वेल्थ का तो आगे का तैयारी करिए, अपना बेस मजबूत करिए या कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, क्योंकि हर क्षेत्र में आपका कंप्यूटर आजकल खोजता है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें कंप्यूटर नहीं खोजे, यानी हर काम में आपको कंप्यूटर खोजेगा। या आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आपका जो विषय कमजोर है उसको अपना पकड़ बनवा सकते हैं, या थोड़ा सा अपने इनकम कमाने के लिए कोचिंग संस्था भी चालू कर सकते हैं, जिससे आप पैसा कमा सके और आपका नॉलेज भी बढ़ सके। पढ़ाने से ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए कुछ काम आप करिए, बैठने से कोई फायदा नहीं है, टाइम को बर्बाद करने मत लगिए, ठीक है ना। किसी काबिल बन जाएगा उसका टाइम को बर्बाद करे ना, काबिल बन जाएंगे तो बैठे बैठे पैसा आएगा, ना काबिल बन जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आज और अभी से आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आगे की सोचना है। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो एग्जाम दे चुके हैं। जय हिंद।